देश में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कोरिया कांग्रेस की तरफ से कोरिया बंद का आह्वान किया गया था, जिसका मिलाजुला असर दिखा। वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कहा कि हम किसानों के द्वारा की जा रही हड़ताल का समर्थन करते हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस के समय में आई थी, जिसमें 225 मुख्य बिंदु थे। उनमें से कई बिंदु कांग्रेस सरकार की तरफ से लागू कर दिए गए थे। मात्र 25 बिंदु को लागू करना बचा था, जिसमें बाकी मांग की तो पूरी कर दी गई थी, पर मुख्य मांग मिनिमम सेल प्राइस बचा हुआ है, जिसके लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष शैलेश शिवहरे ने कहा कि जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, ये एमएसपी की मांग क्यों पूरी नहीं की गई? कांग्रेस का बंद आह्वान पूरी तरह से विफल रहा। मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग का विकास हो रहा है। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। देखिए, आज का जो आंदोलन है ये किसानों के समर्थन में है। उन्होंने आह्वान किया था भारत बंद का और कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है। आपको मैं बता दूं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट, जिनको कि मोदी जी ने भी पद्म भूषण की उपाधि दी है, उनके द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें एमएसपी मिनिमम सेल प्राइस तय करने की बात रखी गई थी। उसको मोदी जी लागू नहीं कर रहे हैं, कहते हैं कि हम इसको नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने एक हलफनामा दिया था कि हम ये संभव नहीं कर सकते, जबकि ये स्वामीनाथन रिपोर्ट कांग्रेस के समय में हुई थी और उस 221 बिंदु थे, जिसमें से मात्र 25 बिंदु बचे थे बीजेपी की सरकार बनने से पहले। ये बहुत ही दुखद है कि हर बार उठने के बाद भी आज भी किसानों की स्थिति जस की तस है और बार बार विरोध हो रहा है, तो आज आके मान लीजिए किसानों की स्थिति जस की तस है। अगर ये विरोध नहीं होगा तो आने वाले समय में किसानों की स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। बहुत ही हास्यास्पद है कि कांग्रेस का बंद पूरे छत्तीसगढ़ में और खासकर हम जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में रहते हैं, यहाँ पूरी तरह से फेल था। 100% बैकुंठपुर में दुकानें खुली थी। और जो कांग्रेस के लोग किसानों के समर्थन की बात करते हैं, तो इनका 55 वर्ष शासन सत्ता था और इनके युवराज और सोनिया गांधी, जब इनका 4 से 14 तक 10 वर्षों सरकार थी और जब मौनी बाबा प्रधानमंत्री थे, उस समय स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू किए? हमारे मोदी जी इस देश में सबके साथ सबका विकास की भावना पे काम कर रहे हैं और किसानों के एमएसपी की बात हो,